बुए आई जांज ते विनो कुड़ी दे कान चानने नी लेट ले अंदर इधर ले आ इधर कोई गल नी आंदे मुंडे आंदे हाथ आया काम अनिका निस्बल इमान अनिकाहु मिन सुन्नती जिस तू बेती गुड़ती दे दे ते उसे तुम्बे पानी जेड़े आउन मेल मुहम्मद ते ओही आउन मकानी जेड़े तड़े खुशियां दे साख हुंदे ओही गमियां दे साख हुंदे मेरे बच्चे शर्जील इस्लाम की शादी के मौके पे ये प्रोग्राम है तो मेरे से तो वादा इनका मगरब से ईशा तक था मैं हफ्जाबाद प्रोग्राम करना जाके तो इन्होंने सारा टाइम ही गुजार लिया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके जितने मेहमान शादी में शरीक हुए अल्लाह इन दोनों खानदानों का जो आपस में मिलाप होने जा रहा है मरते दम तक एक दूसरे के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाए। शादी खाना आबादी होती है अगर शादी करके रिश्तियां का मिलाप ना रवे तो वो आबादी नहीं होती। शादी जायदाद का वारस पैदा करती है शादी इंसान को गुनाह तो बचाती है शादी इंसान मुस्तफा दे करीब कर दी है और शादी अल्लाह दे करीब कर दी है और शादी दे कितने फायदे ने कि इंसान अपनी लाइफ दे अंदर मशगूल हो जाता है। पंजाबी जो कहते ने बंदे की मंगनी होए बंदा यारां तो गया विआह होए ते माँ प्यो तो गया ते बच्चे होए ते अपने आप तो गया फिर बंदा आंदा मैं जैकट नहीं लेंदा चल मैं बच्चे नूं लै दे क्यों जी हां जी कहन दा मकसद है गल वेले दी हुंदी फल मौसम दा। मैं शादी दे मौके ते गुफ्तगू करन वास्ते हाजिर होया और जितने भाई शर्जील इस्लाम साहब के मेहमान हैं हमें तो चाहिए समझाना आगे हदायत तो अल्लाह के अख्तियार में अल्लाह जिसे चाहे हदायत इन्ना का ला तहदी मन अहबबता वला किन अल्लाह यहदी मैं यशाओ इला सिरातुन मुस्तकीम अल्लाह दा मैं जिन्हों चावा रस्ता वखावा सीधा हदायत अल्लाह को। तो आज बड़े खुशनसीब लोग ने जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर अल्लाह रसूल की गल कराई थोड़ी जी कुछ लानी थोड़ी जी ज्यादा नहीं जो मेरे इमाम आली मुकाम देना ना पाक नु मानने वालो मेरे मदनी करीम आका नु मानने वालो मेरे मुबरे साथ नबी नाल मुहब्बत दा इजहार लेके बैठने वाले माजात काजल वाले आलम शाद सीने वाले हलीमा दे राज दिलारे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो मेरे रब्बे करीम ने फरमाया अजीजा ने मन मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वतुहा दे चढ़े वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माजात दे काजल वाले आलम शाद सीने वाले सिराज मुनीर दे चढ़े वाले बदरे मुनीर दे मकाम हामीन दे कुनल वालिया ताहा दे शान वालिया मुजम्मल दे कमली वालिया मुदस्सर दी चादर के सौन वालिया वा मार रमई ता इज रमई ता वला किन अल्लाह अरमादे देने पाक वालिया वामा यंते कुनल हवा दिया पाक गुलिया वालिया कद नरा तकल्लू बावा जी का किस्मा दे चिरे वालिया यासीन القرآن الحکیم دے تاج والے آو اے کملی والے آو سونے محبوب آو فرما جی جی رب جلیل حکم کیے انہا لوگاں نوں اعلان فرماؤنا او ان نکاح نصف ایمان نکاح ادا ایمان ہے ان نکاح من سنتی نکاح میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم سنت ہے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے شادی نہیں کردا نا نکاح نہیں کردا آپ فرماندے نے
उसने भी मेरी नाफरमानी की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़नूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा बेनियाज दा कुरान खालके कायनात ने फरमाया वला तकरबु ज़िना, ज़िना दे करीब ना जाना। अजीजा ने मन आज कितने मुसलमान ने जेड़े साडे मुसलमानों दे करदार सामने नजर आ रहे ने। कोई बच्चा 30 साल की उम्र च शादी करा रहा है, कोई 35 साल की उम्र च शादी करा रहा है, कोई 40 साल की उम्र च शादी करा रहा वे। अक्सर तुसी अमीर लोगों के बच्चे वेखो है जी अभी बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है 35 साल का मुंडा करके वे आंदे ने ते 37 इजराइल आ जांदा ले 2 साल उन्हें हुण की खटिया। मकान बनाउंदा मर गया, गड्डी लैंदा मर गया, कोठी बनाउंदा मर गया, बेगम दियां वरियां बनाउंदा मर गया, मैक्सी लहंगा बनाउंदा मर गया, ते खान हंडाउण दा टाइम ना मिले। आओ मैं तुहानू पैगाम देना, मेरे नबी ने फरमाया जदों कोई फौत हो जाए उन्हूं जल्दी दफन कर दिया करो, जदों धी जवान होवे उन्हूं जल्दी विआह दिया करो। मेरे नबी ने फरमाया जदों कर्जा देना होवे ते उहदी ला के सौण दी फिक्र करिया करके जल्दी कर्जा उतर जावे। आज कितने मुसलमान ने जिहड़े बेटे बेटियां दे विआह लेट कर दे। आ कई पापियां नूं पुछिए ना मुंडे दा विआह नहीं करदा हजे पैरां ते नहीं खलोता, ते बंदा पुछे ओ रेड़दा फिरदा 25 साल दा हो गया जे पैरां ते नहीं खलोता। पैरां दा मतलब सानू ते समझ नहीं अज तक आया ऐ जी, हजे वे पैसे नहीं कमाउंदा। रोटी अल्लाह दे कोल ना दूलन दे कोल ना दूले दे कोल, जिथे पुत्र खांदे ने इक नौवीं रोटी खा लेगी। ऐ जी मौलवी जी मकान नवा नहीं बनिया, नवे नवे बहाने मौलवी जी मकान नवा नहीं बनिया। मैं पुराने का नक् वगदा भी पुराना की कहिंदा भी इत्थे विआह ना कर, पुराना की कहिंदा भी शादी ना कर। मगर साडे मामलात ही इस तरह के ने कि असी बच्चियां दियां शादियां प्लेट कर दित्तियां कि मकान नवा बनावांगे तो शादी करांगे, तो मंगनी करना आई है तो मकान नवा वेख देने, तो अगों फिर अगले कुड़ियां वालियां नूं भी आंदे ने गड्डी कड़ी देवोगे लैंड क्रूजर V8 TXT Z फॉर्चूनर BMW 4 Ring ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टज होंडा स्विक सनाटा मेहरान गड्डी कड़ी देवोगे। वो कुड़ी वाले चंगे होने आखन तुहानू नाल मोहरा भी देवांगे जिहड़ा तुसीं खा के मर जाओ। वो कहे पुराने जमाने च ना चौरी ने पूछा कमियां नूं विच ओए कमियों दसो यही चौधरी रजे चंगे के भुखे चंगे। चौरी बंदा मौज च आया सी ओहे लागे कमी सी ने कहे चौरी मारोगे तो नहीं, उन्हें कहा जी मारांगा नहीं। जदों मैं आप तेनों कहा तो मैं तू के दस, उन्हें कहा मौलवी जी चौरी साहब मैं गल करनी तुहानू गुस्सा लगना। उन्हें कहा जदों मैं कहा वा भी तू कर तो नहीं असी रजे चंगे या भुखे चंगे, उन्हें कहा चौरी जी तुम मरे ही चंगे। उन्हें क्यों, उन्हें आख्या भी जे ती रजे हो भी तुम सानू ही मारना, जे ती भुखे हो भी सानू ही खाना है, तो ये चंगा तुम मरे ही चंगे। वह साडा करदार इस तरह का हो गया इस टाइम कि असी बच्चों दिया शादियां 35-35 साल हो गए बच्चियों की शादी नहीं जी कुड़ी नूं दित्ती है नाल कुछ कार भी दवो। अज बेटियां ले कितने मजबूर ने। आओ मैं जरा इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा तो साबित करावा कि शादी करने वास्ते ना दौलत की लोड़ है, शादी करने वास्ते ना नवे मकान की लोड़ है, शादी करने वास्ते किहड़े असबाब की जरूरत है। मेरे नबी ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम निअमती वरज़ितु लकुम अलइस्लाम दीना। दीन तमामे नेमत हो गया वे लेट इधर लिया कोई गल नहीं आंदे ना मुंडिया के हाथ आया काम।
ऐसा मुसलमान भाइयों ठीक इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालो मेरे मदनी करीम आका नु मानने वालो मुबरे साद नबी नाल मुहब्बत दा इजहार करन वालो मैं दसना चाहना जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदी सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदी जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने ते एक बार जवे खौंदे सोने शहर मदीने नू सारी उम्र नी दे सकदे एहसान मदीने दे अल्लाह जितने बैठे मक्का मदीना दिखा मैं बात कर रहा सब मुसलमानू नबी करीम ने फरमाया कि अपने बच्चे नू बालग हुंदियां दी शादी कर देनी है कितने माँ बाप ने जिन्ना औलादा नू अज बर्बाद कर दिता हो लड़के गलियां बाजारां च जनाबे आला खड़े हो गए लड़कियां गलियां बाजारां दी जीनत बन गईयां ना इज्जत किसे दी वेख ना सड़िया कर ना जादू टूने करिया कर ओए लाद किसे दी वेख ना मरिया कर ना जादू टूने करिया कर ना हसद दी पौड़ी चढ़िया कर ओए ना पहले जिथे सी ओ रहंदे है ना मिक्सर ना कर विच ना जादू टूने करिया कर ना हस ये बैल बंद करें बस ना हसद दी पौड़ी चढ़िया कर ना जादू टूने करिया कर ना हसद दी पौड़ी चढ़िया कर ना कुफर दी बैनी वड़िया कर ना वेखी माल शरीकां दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे बेटी किसे दी वेख न मरिया कर ना रक्षे पीछे चढ़िया कर ना नंबर मंगन वड़िया कर ना नंबर चोरी करिया कर ना अखां मैलियां करिया कर ना पार्क विच खड़िया कर ना पर्दियां पीछे वड़िया कर ना अखां मैलियां करिया कर ना ईमान दा बेड़ा गर्क करिया कर ना वेखी हुसन शरीकां दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे किसे दियां बेटियां देखन नाल इस तरह जी सारा कसूर माँ बाप दा है बच्चे दी शादी टाइम ना नहीं कर दे है जी साड़ा मकान नवा नहीं मेरे नबी मस्जिद नबी च बैठे ने जड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी ओ दीरी सिख ताकत अंबर दी जदों कंधा दिसन मदीने दियां तैवां ठरदियां सारियां सीने दियां जदों रोजा अतहर ते नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे यकदम रुशनाइयां हुंदियां ने महबूबे खुदा दियां गलियां चे जिस वक्त रुशनाइयां हुंदियां ने महबूबे खुदा दियां गलियां चे जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने हर पापी दिल बे सबरे दियां क्या खूब सपाइयां हुंदियां ने अर्ज करना चाह रहा मैं कि दूल्हा इत्थे लैओ मेरे दूल्हे नूं इत्थे लिआओ
अर्ज करना चाह रहा वे जदों इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालो मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालो जरा लफ्ज़ सुनने वाला है नबियां दे सरदार दे कोले आन के बीबी बैठी है ते मेरे नबी नूं आंदी सोने मैं तड़ना निकाह करना चाहनी है ते मेरे नबी ने फरमाया बीबी मैनू हाजत नहीं गई ते लागे सियाबी गरीब जिहा बैठा सुनिए जितने नौजवान बैठे हैं साढ़े माँ प्यो मुंडियां दा उन्हां चिर विआह नहीं करदे जिन्हां चिर मुंडा कोई चन्न ना चाड़ दे जिन्हां चिर मुंडा जनाब आला बेड़ा गर्कना कर लवे अपना आप उदों तक साढ़े खानदान च ना मकान नवा बनता है ना कमरा नवा बनता है सुनिया जे ध्यान देना पहले लोग शादियां जल्दी करते सी बुराई कम होंदी सी भला तकरा पुज्जे ना जनाह दे करीब ना जाई कुरान की कहंदा पिया है सुनिया जे ध्यान देना निकाह बंदे का ईमान मुकम्मल कर दिंदा है निकाह बंदे नूं बुराई तो दूर लै जांदा है निकाह बंदे नूं जनाब आला ना जी इंसानी ख्वाहिशा तो दूर रह जाता है इंसान मसरूफ हो जाता अपनी अहली जिंदगी दे अंदर आओ अजीजां ने मन अर्ज करना चाह रहा वे मेरे नबी करीम नूं ए बीबी आंदी सोणिया मैं तेरे नाल निकाह करना चाहनी है मेरे नबी ने फरमाया बीबी मैनू हाजत नहीं ते ए सियापी ला के बैठा कहंदा या सैयदी या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह तेरे कदमां तो मां बाप कुर्बान होवे सोणिया मैं कहना जी तैयार हाँ मेरा निकाह पढ़ा दो ते वो लड़की भी वेखती पई है मेरे नबी ने यह नहीं पुछया मकान नवे माडल का या पुराने माडल का है मेरे नबी ने यह भी नहीं पुछया वो तेरे को गड्डी केड़ी है ना जी लैंड क्रूजर है V8 है फॉर्चूनर है ना जी मेरे नबी ने यह भी नहीं पुछया निकाह पढ़ाने के पैसे किन्ने कु रखे कोल मेरे नबी ने यह भी नहीं पुछया तेरा किस सोसायटी के अंदर मकान है सिर्फ यही पुछया वे बेटा हक मैर वास्ते कोई सोना मौजूद आंदा सोनिया नहीं मेरे नबी आंदे कुछ चांदी मौजूद आंदा सोनिया नहीं पर मैं कुछ छल्ला कहंदे सोनिया नहीं अज साडे वर्गा आंदा ते कहंदे ओए रोवे विआह कराउण नूं पल्ले नहीं तेला ते करदी मेला मेला पर ओ नबियां दे सरदार ने मेरे नबी करीम अजीज़ुन अलैहिमान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम मेरे नबी करीम ने फरमाया अच्छा भाई तेरे को छल्ला भी नहीं कमली वाल ने फरमाया वो मेरे बच्चे आओ वायु अल्ले मुंह मल किताब अवल हिकमा अल्लाह ने अपने नबी नु इलम भी ताता की हिकमत भी अता की दी है जदों सरकार मदीना दा कलमा पढ़ने वाले गई अपने अपने गरेबान च जागिए असा हजूर नु किन्ना को मनिया वे हजूर की तलीम नाल किन्ना को मनिया वे कमली वाले दे नक्शे कदम ते किस तरह चलदे आ जदों सरकार मदीना दा कलमा पढ़ने वाले अहमद मुतबाऊ मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो ए सियाबी आंदा सोने मेरे कोल छल्ला भी नहीं हुण दसो भी विआह किवें होवे लड़की ते लागे सुनन दई ए पर ओ बोली नहीं कि सोने इहदे नाल मेरा विआह करन लगे जे जिहदे कोल धेला भी नहीं रुपया भी नहीं सोने दा छल्ला भी नहीं ते पित्तल दा छल्ला भी नहीं चांदी दा छल्ला भी नहीं कमली वाल ने फरमाया तेनू कोई कुरान दी सूरत याद है कहंदा सोने कुरान ही ते याद और याद की है कजा व कजा कजा व कजा कजा व कजा फरमाया पलामी याद है पलामी याद है पला सूरत भी याद है मेरे नबी ने फरमाया जाओ मेरा चन्न अपनी बीवी नु ये सूरत जबानी याद कराई मैं हक मेहर बन के तेरा निकाह पढ़ दिता है ते जाओ जाके घर वसाओ अपना ते साडा दूला कमा कमाई थक गया सच्ची गल कर एडवोकेट साहब वकील साहब ने और वकील साहब नु भाई जान इन ए ते अजे इन मुंडा जिया है ना मैं एदू डबल उम्र दे वकील विखा देना जिन्हां दा अजे विआह नहीं होया ते मैं कसमे बड़ा खुश है शर्जील इस्लाम मेरा चन्न तेरी शादी दे मौके ते तू मौलवी बुलाया ही मुझ कीता तू लेट है मैनू मैं मगरब दा आया शाम दा ते ईशा वाले जलसा शुरू कराया हाफजा बाद मैं पहुँचना वे अर्ज करना चाह रहा वे इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों अज फिर इंजी होना है जिवें तू पेश होया होवे ना हाई कोर्ट ते चन्नू आंदा होना उन्हां नूं कहना जी हाई कोर्ट पेश होए तो फिर वेटिंग च रख देंदे ने केस इन्हें अज मेरे नाल भी उंजी कीती है भी मौली सानू मगरब वाले मंगाओ तीशा वाले लावांगे कहांगे वकील साहब पेश होए
अल्लाह उमर च बरकत फरमाया धूले दी किन्ने बैठे जी ईमान ना दसो धूले दा तेला भी लगा ते व्याह हो गया ते साढ़े व्याह करन वास्ते धार चुकने पैंदे नहीं साढ़े व्याह करन वास्ते धार चुकने पैंदे नहीं किसे नूं लख किसे नूं दो लख ते फिर महीना की साल पूरा बंदा कर्जा ही लाउंदा रहिंदा ते कई धूले बड़े सियाणे हुंदे ने उह कर्जा मां प्यो ते चढ़ाउंदे ने ते अपनी बुढ़ी लैके वखरे हो जांदे ने ते मां प्यो जरा कर्जा लाउंदा रहिंदा दुलिया तू ना इंज कर अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए माँ बाप ना रवी माँ बाप की खिदमत करी इज्जत दवेगी अल्लाह तेनू शान दवेगा जरा सुनिया जे ध्यान ना किन्ना लोकां दा ईमान रिश्ता करना ही किवें दा चाहिदा जे सुनिया जे अर्ज करना चाह रहा ही नबी पाक नाल जिस दा कनेक्ट हो गया उहदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया हदीसे मुस्तफा को जो मानता नहीं सुन्नत मुस्तफा पाकी जो मानता नहीं शाने मुस्तफा को जो मानता नहीं एहतरामे मुस्तफा को जो मानता नहीं रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया बरसने लगी मुझ पे रहमत रब के बरसने लगी उन पे रहमत रब के जब से दीने मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया नबी पाक नाल जिस दा कनेक्ट हो गया उहदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया अर्ज करना चाह रहा वही कमली वाले महबूब नूं मानने वालों जिन्ना लोकां दा ईमान उच्चा वे फिर उहनां दा ढेला भी नहीं लगता वे ते वेखो सहाबी रसूल की मैं गल सुनाई है मदीना तैयबा का वाकया सुनाया वे आलम शहरा दा सीना लोकां दियां लख ठारां साडी ठार मदीना जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा हज नमाज रोजे तेरे कुछ भी नहीं नजर ने आजा बकरे छतरे सजदे कर ले मथड़े पनने कुछ भी नहीं जे दिल च नहीं प्यार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा जिन्ने बैठे मक्का मदीना वखा देना हुण आमीन उच्ची कहना मैं वेखना है या अल्लाह जिहड़े बंदे बैठे ने शादी दे प्रोग्राम च अल्लाह सोहणिया इन्हां सारयां नूं मक्के मदीने दी ज़ियारत नसीब फरमा या अल्लाह जिहड़े हुण नहीं ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोलन मैं ते दवाई दे सकदा दुआ सोनी है हुण चुप नहीं रहणगे वेख्या जो दोबारा या अल्लाह जिहड़े बंदे बैठे ने उहनूं मक्का मदीना वखा आ हुण बोले ने ना कई बुढ़ी अगे नहीं बोल सकते बेचारे आंदे ने इत्थे मौलवी दे इज्जत रख लवो बोल पवो कि मौलवी आखे ना भी वाकई नहीं बोलते मैं तो तुहाडी मोहब्बत दे विच इक गल कही है तुहानूं तुसी हजूर दे चौकीदार आज के बाद कभी ये बहाना ना लगाएं कि हमारे पर पैसा नहीं शादी कैसे करेंगे हमारे पास मकान नहीं शादी कैसे करेंगे मैं ऐसे लोग भी वेखे ने जिन्हें झुग्गियां च अपने सारे बच्चे ब्याह ले उन्हां दियां भी औलादां वो भी जिंदगी जी रहे ने बल्कि साढ़े मम्मी डैडी बच्चे अल्लाह जानदा नैसले पी के भी सेहतमंद नहीं आ झुग्गियां वाले दे बाल कसमे साढ़े बाल नूं चंड मारन मुंडा ही बेहोश करता आहो इन्नी सेहत होंदी उहनां ते साढ़े इंज ऐ ब्रैलर मुर्गी वाकू इंज पै हुंदे ने जरा कु ठंड लगदी है चल जरा कु ठंड लगदी है चल ऐ जिन्ने बजुर्ग बैठे मसला सुन
जेड़ा बंदा अपनी औलाद की शादी लेट कर दे औलाद जिन्ने गुनाह करेगी माँ बाप नू भी उसका जवाब देना पैना वे कि तेरे नू अल्लाह पाक ने औलाद दी सी ते तू इहदी तरबीयत क्यों नहीं की इहनू मौके ते टाइम नाल व्याया क्यों नहीं गाऊ अर्ज करना चाह रहा मुसलमान इमाम अंबिया का कलमा पढ़ने वाले मेरे मदनी करीम आका का कलमा पढ़ने वाले ये भी एक स्यापा नबेड़ दिया करो कोई कुड़ी मुंडा कहन के असी इत्थे व्याह करना ते कर दिया करो मगरों जो रोने रोने नहीं हाए मुंडा चूहे मार गोलियां खा गया हैड सदनाई ते डुब गया पट्टी साहब अल्लाह बरकत दवे पट्टी साहब ताड़ी उम्र च बरकत पाए कहिंदे नहीं डुबदे डुब जांदे ने कई मुंडे मां बाप नूं चाहीदा औलाद दे मशवरे नाल चल लवे मेरे नबी ने सिगदा फातिमा तो जाराओ सलामुल्ला लिया सलावातुल्ला लिया मेरे नबी दी पाक बेटी सिगदा फातिमा दी शादी मौला अली पाक नाल कीती है ते मेरे नबी ने कहा फातिमा मैं तेरा निकाह ही ना करना चाहना है तेरी मंगनी अली नाल करना चाहना है मैं सदके जावां फातिमा पैसे लग गए आओ मैं तेन दसा कि हजरत अबू साले रहमतुल्ला अलैह वीरा जनाब जी सफर करते पैने रस्ते च भुख लगी है एक दरिया किनारे एक सेब रोड़ आ रहा वे सेब न की मार ली दिल च ख्याल आ गया हाय कित कयामत नेकियां ना देनिया पै जान ते मैं इत्थे हिसाब बराबर कर लवां इत्थे बदले चुका लैना वे जरा सोच ते सही ना तू जिदा मर्जी माल खा लैना वे तुहाना ये जग मिठा तगला किने डिठा औलिया अल्लाह नू मन्नो वलिया की शान नू मन्नो वलिया के मकाम नू मन्नो औलिया इकराम की इज्जत एहतराम करिया करो उन्हां दा करदार कोई आम करदार नहीं गा औलिया अल्लाह की इज्जत बड़ी है अल्लाह बरकत दवे मेरा पुत्र यादी माने इत्थे रखी जा मेरा चंद तिर ते बेतवारी है अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालो मुबरे साद नबी नाल मुहब्बत दा इजहार करने वालो मुसलमानों पुत्र तू ते एडा मासूम मैं तेनू देन नु गला तू खाला अल्लाह उमर च बरकत फरमाए मेरा चन जिन्हें आए जे ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालो औलिया अल्लाह दी शान कोई आम शाम नहीं गी औलिया अल्लाह दा मकाम कोई आम मकाम नहीं गाऊ हजरत अबू साले रहमतुल्ला अलैह जिहड़े सफर करदे पए ने अज जिदा मर्जी मार रगड़ के खा लवो लोकी आंदे ने वेखी जाएगी जो होएगा पर उत्थे मामले अमला नाल निबलने नहीं औलिया दी शान कैसी जरा सुनिया जे हजरत अबू साले रहमतुल्ला अलैह जा रहे ने सेब नू चक्की मार ली दिल च ख्याल आया हाय कयामत नू नेकियां देनियां पैणगियां मैं इत्थे ही माफ करा लैंदा वे मैं इत्थे ही जाके माफ करा लैंदा तू लगी दाल बेसन बना के वेच के खुश होना वे लगे चने वेच के खुश होना वे तू वीरा नाबे वाला भैड़ी मठियाई वेच के खुश होना है तू गंदा रोना भी खसालन वेच के खुश होना है तू गंदे तेल च पकौड़े बना के खुश होना है किन्ना तू इंसान की सेहत का दुश्मन है ते अल्लाह वालियां दा करदार कैसा है अल्लाह वालियां दी शान कैसी है जो इमाम आली मुकाम हसनैन देना ना जानू मानने वालो मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले मुबरे सादक नबी नाल मुहब्बत दा इजहार लेके बैठने वाले माजाद दे काजल वाले आलम नशा दे सीने वाले हलीमा दे राजदार ना प्यार करने वाले इस बंदे ने जाके जिड़ वाले वेख्या ना सया भी जिधरों आ रहा सेब उधर नु तुर पिया ते एक दरिया दे कंडे ते बाग दी टाणी लटकदी पई है कहिंदे इत्थों सेब डिगाएगा दरवाजा खड़काया अंदरों आवाज आई है कौन मनन ता तुसी कौन मन दबकल बाप दरवाजे ते कौन जदों दरवाजा खोलिया अंदर दाखल होए ते वेख्या की है एक सीनो जमील बुजुर्ग बाहर निकले नहीं ते इधर लड़का बड़ा सीनो जमील खड़ा वे नाम अबू साले हसनी हुसैनी सैयद आले रसूल खानदान रसूल दा बचड़ा वे जरा लफ़्ज़ सुन वाला सैयद घराना है जेड़े वाले दरवाजे ते खड़े ने अंदर दाखल होने लगे नहीं कहंदे ने अल्लाह वालिया मैनू माफ कर दे कहंदे तू ना मेरा को गुनाह कीता ना तू मैनू थप्पड़ मारिया ना तू मेरे नाल लड़िया ना मुंह ना भैड़ा बोलिया ते माफी के शायद ही लैन आया मैं ते तेरे मत्थे नहीं कदी लगाऊ कहंदा सेब नू चक्की मार बैठा वे दिल च
ख्याल आ गया कितने कयामत मालक नू जवाब ना देना पै जाए। तू गन्ने दी ट्राली लगी जांदी होवे गन्ने खिच के चुपी आना वे, तू मूंगफली लैन जावे डलियां फड़ के खान लग पैना वे, जिदी मर्जी शै फड़ के चखन लग पैना है। आ हुणे रोटी खुलनी है, तू अगले दे अगो पट फड़ लैना आ थाली च रोटी पई परा च सल पिया हुंदा अगले दे अगे अपने भावे छे बोटियां पईयां होण ओहदा पट नजर आउणा इधर आ लेग पीस है। अच्छा वेखो यार बंदा रोज खांदा पर ब्याह ते जदों रोटी खोलदी है ना आ मैरिज वाला अजे मारकी वालिआं नूं कसमे बड़िआं बड़िआं दी तलीम दा बेड़ा गर्क हो जांदा। आदम बो आदम बो।